According to Dr. James Tyler Kent, the second prescription is the prescription after the first one has acted. Second prescription हम किसको बोलते हैं? पहले इसका आइडिया क्लियर करें। जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं और पहली बार उसको बहुत अच्छे से ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम लोग मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके बाद जब पेशेंट सेकेंड टाइम आता है, सेकेंड टाइम आता है और जो भी आपने मेडिसिन दिया, उस मेडिसिन का जिस टाइप का भी एक्शन हो, जो भी असर हो या ना हो या जो भी कंडीशन हो, तो उस कंडीशन को देखते हुए जब हम नेक्स्ट टाइम जब प्रेस्क्राइब करते हैं वह सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन, जरूरी यह नहीं है कि सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन मतलब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम में कोई सेकेंड, थर्ड या फोर्थ प्रेस्क्रिप्शन नहीं कहा जाता। हर बार जो नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्शन होता है उसको सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन ही कहा जाता है। जैसे कि अभी अभी बोला गया, इफ द सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन हैव बीन मेड, नान ऑफ देम क्वालिफाई टू बी कॉल्ड द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। इफ दे प्रूव देयर अनसुइटेबिलिटी बाय देयर फेलियर टू इवोक एनी रिस्पॉन्स, देन अगेन द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सबसेक्वेंट प्रेस्क्रिप्शन आर कॉल्ड अ सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन। मतलब एक बार समझ लेते हैं, एक जो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन है, फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन जो होता है, ये फर्स्ट टाइम अगर करेक्ट प्रोसीड्योर में मेडिसिन देने के दिया जाता है तो दैट इज़ द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन, एंड नेक्स्ट टाइम जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली प्रेस्क्रिप्शन करेंगे वो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन। लेकिन इवन इफ सेवरल प्रेस्क्रिप्शन हैव बीन मेड, नान ऑफ देम क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। जितने भी ट्रीटमेंट पहली बार हो और वो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। मतलब अगर आपने टोटलिटी बेस पे ट्रीटमेंट नहीं किया, या तो कि कोई भी सिम्टम की प्रॉपरली देख के मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन नहीं किया, तो वो आपने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको हम फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं मानेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो भी प्रेस्क्रिप्शन किया जाएगा, जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई भी एक पेशेंट को देखा गया और सिम्टम नहीं देखा गया, कुछ भी सुन के जैसे तैसे करके कुछ मेडिसिन दिया गया, दैट विल बी कम्प्लीटली कैंसल्ड, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। इसके बाद अगर आपने उसका प्रॉपर तरीके से टोटलिटी ऑफ सिम्टम बेस पर इवैल्यूएशन एनालिसिस करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो, तो वहाँ पे दैट विल कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है कि इफ वी सी द पेशेंट प्रॉपरली विथ प्रॉपर एथिक्स एंड रूल्स ऑफ होम्योपैथी, देन वी प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन, दैट इज द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। देयर आफ्टर इफ द पेशेंट कम्स अगेन एंड फॉलोइंग दैट प्रेस्क्रिप्शन, वट एवर द कंडीशन इज, वी आर गिविंग एनीथिंग एनी मेडिसिन, दैट इज द सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन। अगेन इफ द पेशेंट कम्स फॉर द थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, वी विल नॉट से एज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रेस्क्रिप्शन, दैट एवरी टाइम द नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर मेकिंग अ सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन, should not be done before studying the record fully, should consider the changes that occur after the first prescription, should not be done in haste which leads to an indiscriminate second prescription। ये चीज़ आपको याद रखना है कि फुल रिकॉर्ड बिना कोई भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। ये तो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में तो नहीं हो सकता, इवन इन ड्यूरिंग एनी प्रेस्क्रिप्शन, नॉट इन द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन, नॉट इन द सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन, फुल रिकॉर्ड बिना कोई भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है कि जो जैसे फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में जो भी कंडीशन, जो भी मेडिसिन दिया गया, उसके बाद जो चेंजेस हुआ, उस चेंज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके, उस चेंज को बहुत अच्छे से कंसिडर करके, देन सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन विल बी गिवन। और जल्दबाजी में कोई भी सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है, वैसे तो जल्दबाजी में कोई भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है। ईच एंड एवरी केस शुड बी टेकन
taken very properly with very, very good observation and patience. Another very important point for the second prescription is that the patient should be given much enough time for the first medicine to act. The early repetition of the medicine or the continued given the same medicine will not give a chance for symptoms to come back and thereby prevent the opportunity of making a rational second prescription. आपने जो मेडिसिन दिया है उस मेडिसिन का एक्शन को कंप्लीट होने दो, उसको कंप्लीटली खत्म होने दो उस एक्शन को, देन देयर आफ्टर यू कैन मेक द सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन. एग्जाम्पल और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी मेडिसिन दिया गया, पहले क्या होता है उसका प्राइमरी एक्शन होता है, उसके बाद इन रिस्पॉन्स टू द प्राइमरी एक्शन द वाइटल फोर्स विल गिव द सेकेंडरी एक्शन. सेकेंडरी एक्शन जब तक और जितना दिन तक चलेगा, क्योंकि ये वाइटल फोर्स का एक्शन है और क्रॉनिक केस में ये लंबा टाइम तक चल सकता है, तो जितना टाइम, एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं कि मेडिसिन देने के बाद कोई भी कंडीशन है, डिजीज है, वो धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है. अब हो सकता है ये एमोल्यूशन हो रहा है कह सकते हो, तो हो सकता है कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, द कंटिन्यूसली द पेशेंट इज इम्प्रूविंग. तो इसका मतलब है उस मेडिसिन का एक्शन जो है, द वाइटल फोर्स का एक्शन जो है, दैट इज द रिस्पॉन्स टू द एक्शन ऑफ द मेडिसिन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन. तो जितना टाइम ये एमुलेट होता जाएगा उतना टाइम में उस बीच में हम कोई सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, वी विल लेट द एक्शन ऑफ द मेडिसिन टू बी कम्प्लीटेड, देन देयर आफ्टर विल डू एनी सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन, वॉट आर द टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन. नंबर वन, रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन. Number two, antidote to the first prescription. Number three, change of remedy. Number four, complementary to the first prescription. Number five, cognate to the first prescription. And number six, change of plan of treatment. Coming to the first point, that is the repetition of the first prescription. Two indications to repeat the first prescription. जो हम लोगों ने first prescription फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में प्रेस्क्राइब किया है, उसको हम वही प्रेस्क्रिप्शन को रिपीट करेंगे. कब करेंगे, किस कंडीशन में? व्हेन द ओरिजिनल सिम्टम रिटर्न्स आफ्टर अ वेरिएबल पीरियड विद द सेम जर्नल्स एंड पर्टिकुलर्स. जो ओरिजिनल सिम्टम जो रिटर्न करेगा तो सेम जर्नल एंड पर्टिकुलर के साथ, तो उस समय में हमको उसी मेडिसिन को एक बार दोबारा रिपीट करने की जरूरत है. दूसरा है कि व्हेन द केस कम्स टू ए स्टैंड स्टिल आफ्टर इनिशियल इम्प्रूवमेंट. आपने मेडिसिन दिया, कुछ समय में इम्प्रूव हुआ, लेकिन उसके बाद एक ही जैसा रहेगा, रह गया. इसका मतलब है कि उस मेडिसिन का एक्शन तो हो रहा है, लेकिन इट रिक्वायर सम मोर रिपीटेशन फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द क्योर ऑफ द केस. तो यहाँ पे जो है ना, ऐसे दो कंडीशन में हम लोग उसी प्रेस्क्रिप्शन को रिपीट करेंगे. पॉइंट नंबर टू, एंटीडोट टू द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन. एंटीडोट कब करेंगे? जब हम लोगों का मेडिसिन का सिलेक्शन कुछ गलत होगा, या तो मेडिसिन का डोज जो है ये बहुत हाई हो जाएगा, तो उस मेडिसिन का एक्शन को बंद करने के लिए हमको एंटीडोट करना पड़ेगा. तो ये एक सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन है. क्या लिखा है देखते हैं. एंटीडोट मीन्स सब्सटेंसेस दैट काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा. तो इंडिकेशन, अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम दैट बिलोंग टू द मेडिसिन गिवन. मतलब पेशेंट पे हम लोग को क्या दिखेगा, कोई ना कोई नया सिम्टम आएगा, जो सिम्टम पेशेंट लेके आया था इसके अलावा कोई न्यू सिम्टम्स आ रहा है, और वो सिम्टम आपने जो मेडिसिन दिया उसी मेडिसिन का सिम्टम आ रहा है. इसका मतलब है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ मेडिसिनल एग्रेवेशन, एंड देयर वी नीड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द मेडिसिन व्हिच मे नॉट बी द करेक्ट चॉइस. तो वहाँ पे हम लोगों को एंटीडोट की जरूरत है. द अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन शोज दैट इट इज अ रॉन्ग चॉइस, सो इट शुड बी एंटीडोटेड. पॉइंट नंबर थ्री, चेंज ऑफ द रेमेडी. रेमेडी हम चेंज करेंगे. चेंज ऑफ द रेमेडी का मतलब हमको समझना पड़ेगा एक बार. मतलब द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन व्हिच डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द प्रीवियस मेडिसिन.
चेंज ऑफ रेमेडी का मतलब वो नहीं है कि जैसे कि कोई एक मेडिसिन दिया है और उसके बाद उसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंटरी और कॉग्नेट जो है, ये चीज़ को हम चेंज ऑफ रेमेडी के हिसाब से नहीं समझेंगे। चेंज ऑफ रेमेडी का मतलब है कि जो मेडिसिन हमने दिया वो मेडिसिन गलत हुआ, तो उस मेडिसिन से रिलेटेड, उस मेडिसिन से फॉलो करने वाला कोई मेडिसिन या ऐसा कोई मेडिसिन है, टोटली हमको न्यू केस टेकिंग करके एक नया मेडिसिन देना है। जो मेडिसिन हम पहले दिए थे उसका कम्प्लीटली चेंज करेंगे, दैट इज द चेंज ऑफ द रेमेडी। तो प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन विच डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द प्रीवियस मेडिसिन कब देंगे? व्हेन अ स्ट्राइकिंग न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम अपीयर्स लीडिंग टू एन एंटायर चेंज इन द बेस ऑफ सिम्टम्स। एकदम नया ग्रुप ऑफ सिम्टम अपीयर हो रहा है, मतलब कुछ डिजीज का कंडीशन में कुछ ऐसे बदलाव आया है या ऐसा कुछ कंडीशन है जो कि फेवरेबल नहीं है। जो पिछले मेडिसिन जो दिया गया है उससे उसका कोई एक्शन के कारण का नहीं है, कुछ अलग चीज निकल के आ गया, तो दे आर वी रिक्वायर्ड टू गिव अ फ्रेश ट्रीटमेंट वहाँ पे, दैट इज अ चेंज ऑफ रेमेडी। अच्छा, दूसरा है कि सिम्टम हैव चेंज बट द पेशेंट वाज नॉट इम्प्रूव्ड। सिम्टम चेंज हो सकता है लेकिन पेशेंट इम्प्रूव नहीं किया, इसका मतलब यू कैन रिफर टू द केयर्स ऑफ द पेशेंट। तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या है कि पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग बेसिकली, ये ऊपर से कोई पैलेशन टाइप का हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रीटमेंट का जो रास्ता है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, इस कारण से हमको मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत है। कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन दैट इज मेड टू कम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ द फॉर्मर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेडिसिन आपने दिया, उस मेडिसिन में जितना काम करना है वो किया, इसके बाद कोई दूसरा मेडिसिन की ज़रूरत होती है जो इस मेडिसिन का काम को कंप्लीट करे। जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज में कोई एक्यूट एग्जर्वेशन ऑफ द डिजीज हो, तो वहाँ पे हमने कोई मेडिसिन दे दिया, वो उसमें एक्यूट कंडीशन सबसाइड हो गया लेकिन क्रॉनिक कंडीशन रह गया, तो क्रॉनिक कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए हमको जो एक्यूट डे मेडिसिन दिया गया था उसमें उसका कंप्लीमेंटरी कुछ क्रॉनिक मेडिसिन दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि कंप्लीमेंटरी टू द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। अगर हम लोग अपना मेट्रिया मेडिका को देखेंगे तो मेट्रिया मेडिका में जहाँ पर रिलेशंस लिखा हुआ होता है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लिखा हुआ होता है, सो वी कैन फॉलो दैट थिंग ड्यूरिंग आवर ट्रीटमेंट। इंडिकेशंस यूजुअली डन विद द फर्स्ट रेमेडी इज एन एक्यूट वन एंड इट इज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन विद द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्योर। सो दिस इज पॉइंट नंबर फोर, दैट इज द कॉम्प्लीमेंटरी टू द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। पॉइंट नंबर फाइव, कॉग्नेट टू द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन से रिलेटेड होता है, कोई ना कोई जगह पे किसी ना किसी डिजीज में रिलेटेड होता है। कैसे? जैसे कि एक के बाद एक मेडिसिन दिया जाता है, मतलब विदाउट एनी सिम्टम सिमिलरिटी दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। वी कैन गेट अ नंबर ऑफ सिम्टम्स इन अ क्रॉनिक केस और इसमें एक दूसरे को एज ए कम्प्लीमेंटरी, एज ए फॉलोअर वेल और एज ए गुड रिलेशन इन बिटवीन द मेडिसिन, ऐसे काम कर जाता है। जैसे सल्फर कैल्केरिया लाइकोपोडियम, सल्फर कैल्केरिया ट्यूबाकुलिनम, तो जैसे सीपिया नागसोमिका, तो ऐसे एक के बाद एक ये मेडिसिन आता है। और पेशेंट में भी अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि किसी को आपने सीपिया दिया, उसके बाद ऐसे कुछ सिम्टम्स के आधार पर सीपिया दिया, फिर उस सिम्टम्स और सिस्टम्स में नक्स भूमिका का सिम्टम अराइज हो जाता है, एंड इट इज ऑल्सो द मेडिसिन इज ऑल्सो रिलेटेड टू इच अदर। तो कॉग्नेट मीन्स इन अ रिलेशनशिप। तो ऐसे चेन ऑफ मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं ऑन इन रेस्पेक्ट टू द कॉग्नेट्स। चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, व्हेन द सिम्टम्स ऑफ अनदर मियाज़म हैज कम अप इन प्रोमिनेंस विद डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ प्रीवियस मियाज़म ट्रीटेड। सबसे पहले ये समझना होगा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। जैसे इससे पहले एक पॉइंट पे हमने देखा है कि चेंज ऑफ रेमेडी,
चेंज ऑफ रेमेडी दैट इज द चेंजिंग ऑफ द रेमेडी, रेमेडी गलत था, मेडिसिन गलत था, चेंज ऑफ द मेडिसिन एंड कोई नया मेडिसिन दिया। नाउ चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट ये बोलता है कि कभी भी हमको ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें एक ट्रीटमेंट प्लान जरूर होता है। व्हेन यू सी अ पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटलिटी द बेसिक थिंग्स वी सी, क्या क्या देखते हैं हम लोग, सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स देखते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस को समझते हैं, कितना क्यूरेबल इनक्यूरेबल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देखते हैं, साथ में कॉन्स्टिट्यूशंस भी देखते हैं, मियाजमेटिक बैकग्राउंड देखते हैं, प्रेजेंट द प्रीडोमिनेंस ऑफ द मियाजम देखते हैं। तो ये सारे चीज़ को मिला के हम लोग एक पेशेंट को देखते हैं। वहाँ पे अगर कोई मियाजमेटिक ट्रेट जो है पर्टिकुलरली क्रॉनिक डिजीज, वी कैन नॉट ट्रीट द क्रॉनिक डिजीज विदाउट द विदाउट कंसीडरिंग द मियाजम। तो मियाजम को कंसीडर करते हुए जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ पे कोई एक, सपोज कोई एक मियाजम आ गया, सपोज सोरा आ गया, तो सोरा का मियाजम अगर प्रोमिनेंट है तो मेडिसिन मस्ट बी चूजन अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ द मियाजम। और उसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन होगा, या तो जो इंटरकरेंट मेडिसिन होगा या तो जो एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन होगा, ये सारे एक सीक्वेंस में आएगा और एक रिलेटेड होगा एंड इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशंस आल्सो। लेकिन ऐसे कंडीशन में अचानक से हमने अगर देखा कि देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ अनदर मियाजम, कोई दूसरा मियाजम है, तो टोटल जो मेडिसिन का जो सीक्वेंस है ये चेंज हो गया टोटल। और इसके साथ साथ जो है कि सिम्टम्स में भी एक एब्रप्ट चेंज आ जाता है, जिसमें हम लोगों को टोटल उस पेशेंट का ट्रीटमेंट का प्लान को, द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और द मेडिसिन विच विल गिव ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इसको चेंज करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं कि चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। बेसिकली द वी चेंज द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन वी सी देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ मियाजम ऑफ अ डिफरेंट मियाजम when the patient is under the treatment. So this is called the change of plan of treatment. So these are all the six points of the second prescription. हम लोग जब भी कोई prescribe करते हैं, second time prescribe करते हैं after the first medicine has acted completely, तो वहाँ पे हम लोग ये जो छह type का है इसमें से कोई ना कोई चीज़ करते हैं। So it is very clear for us. Dr. Kent ने अपने फिलोसफी में ये बताया एंड पॉइंट वाइज ये सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन को बताया। इसके अलावा डॉक्टर रॉबर्ट ने भी सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन अपने फिलोसफी में बताया एंड द पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। सो वी गेट सम क्वेश्चंस इन दिस सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन। डिफाइन सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ ए सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन, what are the types of second prescription, and explain each of them with examples. These are the questions. Thank you.